हेलो, वेलकम टू कोशर फ्यूजन बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ घर पर ही चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप छूट ना जाए। इसे बनाने के लिए हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। सीख कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चिकन के ब्रेस्ट और थाई पीसेस लिए हुए हैं। थोड़ा सा गर्म पानी से धो लेने के बाद मैंने इसे जाली वाली टोकरी में लगभग 1.5 घंटे के लिए रखा था ताकि इसका सारा पानी ड्रेन हो सके। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम भी ड्रेन करने के लिए रख सकते हैं। बड़े चाकू की मदद से सारी हड्डियां निकालेंगे और मटन को सेपरेट करेंगे, फिर इनके छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे। सारी हड्डियां मैंने मीट से सेपरेट करी है। हड्डियों को हमने फेंकना नहीं है, इसका हम सूप बनाएंगे और मीट को हम मिंस करेंगे। मैं यहाँ पर ब्लेंडर वाला जार यूज़ कर रही हूँ मिंस करने के लिए, क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। आप इसे ओखल और मूसल में भी मिंस कर सकते हैं। मीट को मिंस करने के बाद बाउल में ट्रांसफर करेंगे और फिर बचा हुआ मीट फिर से जार में भर के उसको भी हम मिंस करेंगे। आप मार्केट से मिंस किया हुआ मीट भी ला सकते हैं। सारा मीट मिंस करके रेडी है। मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें से आधा सेपरेट कर रही हूँ। छोटे जार में मैं बड़ी इलायची के दाने, काली मिर्ची और लौंग ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें भुना हुआ साबुत जीरा और धनिया सीड्स ऐड करेंगे और इनको पीस लेंगे और इसे फिर मिंस मीट में ऐड करेंगे। साथ में ही हम इसमें चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, घी, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, सौंफ पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा भुना हुआ मैदा भी ऐड करेंगे। आप मैदा की जगह अरारोट या बेसन भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसमें रोस्ट करी हुई कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही में मैं इसमें सूखा हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास फ्रेश धनिया अवेलेबल नहीं था। आपस में अच्छी तरह से मिलाएंगे। आटे की तरह हाथों से मसल कर इसको मिलाएंगे ताकि मटन और मसाले आपस में अच्छे से मिल जाए। अब छोटे जार में हम अदरक, फ्रेश पुदीना, हरी मिर्ची और लहसुन ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे और फिर उसे भी मीट में ऐड करेंगे। प्याज का पेस्ट बनाकर या बारीक बारीक चॉप करके उसका सारा पानी ड्रेन करेंगे और उसे भी मीट में ऐड करेंगे। फिर आपस में अच्छे से मिलाएंगे। इसे ढक लेंगे और 30 से 45 मिनट तक इसे मैरिनेशन पर रखेंगे ताकि फ्लेवर्स आपस में मिल जाए। 40-45 मिनट के बाद अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। बीच में हम इसकी जगह बनाएंगे जिसमें हम कावली में जलता हुआ कोयला रखेंगे और उसके ऊपर हम घी या तेल के 7-8 ड्रॉप्स डालकर इसे ढक लेंगे और लगभग 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे, जब तक कि बाउल के अंदर का सारा स्मोकी फ्लेवर कीमे के अंदर तक जाए। कीमे के अंदर स्मोकी फ्लेवर आ गया होगा। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे, प्लेट को थोड़ा सा तेल या घी से ग्रीस करेंगे और फिर हाथों में थोड़ा सा मटन लेके सीख पर लगाकर इसे फैलाएंगे। हाथों पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाएं जिससे कि हाथ पे
ये मटन चिपक ना जाए और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता से सीख पर फैलाए और फिर निकाल कर प्लेट पर रखे। एक एक करके सारे कबाब आप ऐसे ही बनाए और फिर प्लेट में रखे। ये कबाब आप फ्रीजर में रखकर थोड़े टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आप निकाल कर इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब हम पैन को गैस पर चढ़ाकर फ्लेम ऑन करके मीडियम पे रखेंगे और इसमें तेल ऐड करेंगे। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम इसमें कबाब एक एक करके ऐड करेंगे। इन्हें खुला खुला ऐड करें ताकि एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। 2-3 मिनट तक कबाब फ्राई करने के बाद इनको हिलाते रहे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। क्योंकि मैं ये कबाब कम तेल में बना रही हूँ इसलिए इसे ढक ले फ्लेम लो मीडियम पे करके 4-5 मिनट तक दम देकर इन्हें कुक करें ताकि कबाब अंदर तक पक जाए और फिर इन्हें किसी प्लेट में ट्रांसफ़र करें। बाकी बचे कबाब भी आप ऐसे ही फ्राई करके प्लेट में ट्रांसफ़र करें। आप ये कबाब पैन में खुले तेल में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। सारे कबाब फ्राई होकर रेडी है। आप इन्हें हरी चटनी नींबू और प्याज के साथ एंजॉय करें। इन्हें आप घी या बटर का वॉश देके तंदूर या ओवन में बना सकते हैं। आप भी ऐसे ही घर पर साफ सुथरे तरीके से चिकन कबाब बनाकर एंजॉय करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एनी अपडेट्स।